डियर फ्रेंड्स एंड फ्यूचर डॉक्टर्स, एक बार बहुत बहुत स्वागत है जिन बच्चों को लगता है कि भैया अब आखिरी के 5 डेज बचे हुए हमारे पास और आखिरी के 5 डेज में मुझे किस तरह से पढ़ना है कि मेरा इंप्रूवमेंट जो मेरे टेस्ट में स्कोर आ रहा है उससे कम से कम 150-200 स्कोर हो सके। तो बहुत आसान आपको एक तरीका बताता हूँ। आपके पास 3 मेजर पॉइंट्स में डिस्कस करने जा रहा हूँ जहां से आपका स्कोर 200 के लगभग इंप्रूव हो सकता है। मतलब अगर अभी भी आप 300-350 के रेंज में है तो आप 500-550 और 450 के रेंज में तो आप 600 तक भी अप्रोच कर सकते हैं। बहुत आसान और इजी तरीका मैं आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि आपने अब तक जितनी चीजें पढ़ी है अब आप सारी किताबों को फैलाने के बजाय सबसे पहले नंबर ऑफ मटेरियल जो स्टडी मटेरियल है उसको बिल्कुल सिंक्रोनाइज कर दीजिए। आप एक ही कॉपी की थ्योरी को बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिए क्योंकि आपके जो सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं वो केवल कंफ्यूजन की वजह से हो रहे हैं। अगर आप 400 स्कोर कर रहे होंगे टेस्ट में या 450 या 500 स्कोर कर रहे होंगे तो अपने टेस्ट में आपने एक एनालिसिस किया होगा कि आप लगभग 7-8-10-15 क्वेश्चन ऐसे हो रहे होंगे तीनों सब्जेक्ट मिला के जिसमें आप छोटी छोटी गलती करके टेस्ट में आ रहे होंगे। और अगर आप उन छोटी छोटी गलती को कर रहे हो तो मान लो आप 15-20 क्वेश्चन गलत करते हो तीनों में तो ऑलमोस्ट आपके पास 80-85-90 मार्क्स आपके चले जा रहे हैं क्योंकि 80 तो वैसे जा रहे हैं और लगभग 20 क्वेश्चन गलत अगर कर रहे हो तो 20 नेगेटिव भी हो रहा है तो 100 मार्क्स का आपको सीधा लॉस केवल और केवल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने की वजह से। मतलब आप बेसिक कॉन्सेप्ट में जो कंफ्यूजन है उसके वजह से हो रहा है। अब आपको अगर उस कंफ्यूजन को दूर करना है तो बेहतर यह है कि आप 7 दिन केवल और केवल जो भी पढ़िए अगर आपने अभी तक शॉर्ट नोट्स तैयार किया हुआ बहुत अच्छा है, नहीं किया हुआ है तो जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो जहां पे कंफ्यूजन वाले चैप्टर उन सबके शॉर्ट नोट्स लिखते जाइए, फॉर्मूला कलेक्ट करते जाइए और केवल उन्हीं फॉर्मूले को पढ़िए। अब किसी तरह का कोई मॉक टेस्ट नहीं दे। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अब जो है किसी तरह का कोई मॉक टेस्ट नहीं दे, कोई बुक की रीडिंग आप बिल्कुल ना करें। जो आपका क्लास नोट्स है, जो आपका सेल्फ क्रिएटिव नोट्स है, जो आपने शॉर्ट नोट्स क्रिएट किया हुआ है सिर्फ और सिर्फ उसको पढ़ें। अगर आप ये 5-6 दिन करते हैं लगातार, बिलीव करिए आपका स्कोर सडनली जो टेस्ट में आ रहा था उससे बेहतर स्कोर आपको देखने को नीट एग्जाम में मिलने वाला है। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास आता है वो एनसीईआरटी। आप बहुत फालतू की किताबें या बहुत फालतू के जो बुकलेट आपके इंस्टीट्यूट के हैं एटलीस्ट इस टाइम ना कवर करें। अगर कुछ आपको क्वेश्चंस करने का मन करे तो जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है वो करके जरूर जाएं। जैसे केमिस्ट्री की अगर बात करता हूं तो केमिस्ट्री में जितने भी नैम रिएक्शन है या आपके पास जितने तरह के रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये सारे देख के बहुत अच्छे से जाइए। एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, एक क्वेश्चन पक्का यहां से बनने की संभावना है। और रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो बिलीव करिए रिएक्शन एनसीईआरटी से बाहर कोई भी बनने वाला ऑर्गेनिक में भी आपके पास नहीं है। पिछले साल का अगर फिजिकल इनऑर्गेनिक का भी कंपैरेटिवली देखोगे अगर लास्ट 3 ईयर का तो सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड थे। तो बेसिकली आप इस टाइम एक्स्ट्रा बुक नहीं देखें, केवल एनसीईआरटी और अपने नोट्स को पढ़ें, आपका निश्चित तौर पे इंप्रूवमेंट हो जाएगा। दूसरी बात है टेस्ट में आपने जो अभी तक स्कोर किया उस टेस्ट के स्कोर को अपने माइंड से बाहर कर दो, बाहर कर दो। क्राइटेरिया नहीं है वो। मैंने पिछले साल देखा है 680 नंबर लाने वाले बच्चे नीट में 550 लाए हैं और 500-450 स्कोर करने वाला बच्चा नीट के एग्जाम में 600 लाया है। तो टेस्ट जो आपका जो आपने अभी तक दिया वो आपका डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है रैंक का, ये माइंड सेटअप हटा लीजिए। क्योंकि आधा डिप्रेशन का वजह मुझे लगता है कि यही है, आप जो टेस्ट दे रहे थे आपके माइंड में वो इतना बैठ गया है कि मेरे तो इतने ही नंबर आ रहे हैं, मेरा सिलेक्शन इस बार नहीं होगा, अगले साल कौन से कोचिंग से ड्रॉप करूंगा, आपके पास तमाम तरह के दिमाग में उलझन बनना शुरू हो गया है। उस उलझन को अगर सुलझाना है तो भैया बहुत सिंपल तरीका है कि आप उस टेस्ट के स्कोर को नहीं जज कीजिए। वो टेस्ट का स्कोर आपका नीट का फाइनल स्कोर नहीं हो सकता। लिख के ले लीजिए, अगर बिलीव ना हो तो 1-2 बच्चे आपके इर्द गिर्द जो सेलेक्ट हुए हैं उनकी स्कोर को पिछले मैच कर लेना टेस्ट और फाइनल, आपको पता चल जाएगा। टेस्ट स्कोर जो होता है वो बेसिकली वो प्रेशर वाला स्कोर नहीं होता, नीट का स्कोर एक प्रेशर वाला स्कोर होता है। और जरूरी नहीं है कि टेस्ट में खराब करने वाला बच्चा नीट में अच्छा ना करे, किसी बच्चे को प्रेशर झेलने की बहुत आदत होती है और उसको तब ज्यादा मजा आता है जब फाइनल अटेम्प्ट बच्चा लेने जाता है, ऐसे मैक्सिमम बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। तो टेम्परामेंट लूज नहीं करें कि हमारा ये था तैयारी, ये था, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपने बहुत बढ़िया तैयार किया हुआ है, जितनी चीजें पढ़े उसको रिकॉल कीजिए, सोशल मीडिया से 5 दिन अपने आप को दूर रखिए, डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, फ्रेंड सर्कल से 5 दिन दूर रहिए और पेरेंट्स से केवल और केवल मदर फादर के टच में रहिए, बाकी अदर रिलेटिव्स के भी फोन इस टाइम पिक ना करें क्योंकि आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप रिजर्व होके पढ़ेंगे और 5 दिन आप देश दुनिया की सारी चीजों से दूर रहेंगे। तो फोकस कीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का होना है, एनसीईआरटी पढ़ के जाइए, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन बन रहे
रहे हैं, और उसमें भी आप बिलीव करिए एनसीईआरटी ही आएगा, जो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव पढ़े हैं या फिर जो प्रैक्टिकल का पार्ट जो आपका टेस्ट केमिकल टेस्ट ऑर्गेनिक का है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। रेडिकल टेस्ट से आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा, और अगर आप रेडिकल वाला एक क्वेश्चन छोड़ते हैं तो अभी आपके पास चार और एक्स्ट्रा ऑप्शनल क्वेश्चन है, घबराने की बात नहीं है, आप अच्छा करके आओगे। फॉर्मूला सारे रिवाइज करके जाना, 50% क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है, जो आपका इंटरनली जो है वो एग्जाम में स्पीड भी बढ़ाएगा और अपने आपको आपको बूस्ट करने में काफी हेल्प होगा। जब वो क्वेश्चन तेजी से बन रहे होंगे तो आगे आने वाला टिपिकल क्वेश्चन भी आपका तेजी से बनेगा। माइंड को बिल्कुल शांत रहें, हेल्दी खाना खाएं, बिल्कुल नेगेटिव ना सोचें, ये जिंदगी का आखिरी इम्तिहान नहीं है, बहुत आराम से लिखें। यार ये कैसा इम्तिहान है, ये तो बहुत आसान एग्जाम है, मैं बार बार बोलता हूँ, ये धरती का सबसे बड़ा और सबसे आसान एग्जाम है, जहाँ पे बच्चा 720 में 720 स्कोर कर रहा है। अगर किसी एग्जाम में 100% बच्चा स्कोर करता है तो आप बिलीव कर लीजिए कि उस एग्जाम का स्टैंडर्ड उतना ज्यादा नहीं है, तो आपको डरना नहीं है। और इस बार 11,000 MBBS सीट बढ़ रहा है, सिलेक्शन भी आप लोग का पक्का होगा, तो 400, 450, 550 और 600 तक स्कोर कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन इस बार पक्का है। कोई ना घबराए, आराम से आपको कहीं ना कहीं मिलेगा कॉलेज, बस स्थिर दिमाग रखें 5 दिन और इस दिमाग को आसानी से यूज करें, कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं करें, सिली मिस्टेक्स जिसको आप बोलते हैं वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, एकदम सार कॉन्सेप्ट लेके जाइए और नेगेटिव चीज ना छोड़ के अच्छे से पढ़िए। बायोलॉजी केमिस्ट्री बहुत अच्छा करिए, फॉर्मूले के हर फिजिक्स के हर फॉर्मूले को रिवाइज करके जाइए, इसी पे क्वेश्चन आपका सॉल्व होके आएगा। आराम से लिखो यार, ये तो वो इम्तिहान है, ऐसे इम्तिहान देते देते आपकी आदत सी हो गई होगी, रिलैक्स होके पढ़ो, अच्छा करोगे, फोड़ के आओगे, बेस्ट ऑफ लक।